ओके सो नाउ टू ऑप्टेन द रिमेनिंग टू स्लोप प्रोफाइल्स ओके हमने क्रिटिकल स्लोप प्रोफाइल्स डिराइव की सी वन सी थ्री माइल्ड स्लोप प्रोफाइल्स डिराइव की जब हॉरिजोंटल होगा तो उसकी कैसी प्रोफाइल जनरेट होगी और जब एडवर्स स्लोप होगा तो उसकी प्रोफाइल्स कैसी जनरेट होगी सो वो दोनों अभी बाकी है ओके सो स्टार्टिंग विद हॉरिजोंटल स्लोप ओके वी नो दैट बेड स्लोप इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है ना अगर आपका स्लोप हॉरिजोंटल है तो ये जो बेड स्लोप है वो जीरो हो जाएगा तो वो केस में आपका जो डीवाई बाई डी एक्स का जो इक्वेशन है एस जीरो माइनस ए सी अपॉन वन माइनस एफ आर स्क्वेर तो वो कैसा हो जाएगा माइनस एस सी अपॉन वन माइनस एफ आर स्क्वेर ओके सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स फॉर दी हॉरिजोंटल स्लोप नाउ फर्स्ट केस आई एम कंसिडरिंग बैक वाटर कर्व मैंने पहला केस कौन सा कंसिडर कर लिया बैक वाटर कर्व का सो बैक वाटर कर्व में हमें पता है डीवाई बाई डी एक्स कैसा होता है पॉजिटिव होता है सो so, अगर ये वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए तो नेगे वन माइनस एफ आर स्क्वायर विल मस्ट बी नेगेटिव बिकॉज ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है सो इफ़ वी वॉन्ट डी वाई बाई डी एक्स टू बी पॉजिटिव फॉर बैक वाटर कर्व तो क्या नेगेटिव होना चाहिए वन माइनस एफ आर स्क्वेर मस्ट बी नेगेटिव और वी कैंड से मस्ट बी लेस देन जीरो सो इसका मतलब ये होगा दैट एफ आर स्क्वेयर इज ग्रेटर देन जीरो सॉरी एफ आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन एंड देट इज fr आर इज ग्रेटर दैन वन एंड सो नाउ मैन एफ आर इज ग्रेटर दैन वन फ्लो इज सुपर क्रिटिकल ठीक है फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल हो गया मतलब आपकी जो एक्चुअल डेफ्थ ऑफ फ्लो है वो क्रिटिकल डेफ से कैसी है वाई इज ग्रेटर देन वाई सी ओके सो नाव अगेन फॉर दैट जोन डायग्राम, ठीक है दिस इज जोन वन दिस इज जोन टू दिस इज जोन थ्री आपका जो बेड uh, स्लोप है वो जीरो है ओके okay. एस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो है सो वो केस में आई फॉगोट टू राइट डाउन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट नॉर्मल डेफ विल बी टेंट्स टूअर्ड्स इन्फिनिटी ओके बैट स्लॉप जीरो हो गया मतलब आपकी ये जो डेफ्थ होगी नॉर्मल डेफ्थ वो अप टू इन्फिनिटी रीच करेगी मतलब वो चली जाएगी. Normal depth ही जाएगी नॉर्मल डेफ्थ ही होगी बहुत चेंज नहीं आएगा क्योंकि आपका बैट स्लॉप चेंज नहीं हो रहा तो वो केस में नॉर्मल डेफ्थ तो इन्फिनिटी हो गई ठीक है सो so, ये जो लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है बैक वाटर कर्व में ओके okay. सो so, ये सपोज आई कंसिडर दैट इफ दिस इज वाई एन ओके एंड इफ दिस इज वाई सी सो क्या हो गया ये डेफ्थ तो एग्जिस्ट करेगी नहीं तो कौन सा जोन निकल जाएगा जोन वन सो इन केस ऑफ हॉरिजोंटल फ्लो कौन सा जोन रह गया टू एंड थ्री ओके okay.

ठीक है ये जोन टू रह गया जोन थ्री रह गया नॉर्मल डेफ तो इन्फिनी है तो वो जोन निकल गया तो ये वाई एन भी चला जाएगा तो वाई सी रह जाएगा और ये जोन टू रह गया और जोन थ्री रह गया ठीक है ना हियर हमें पहली कंडीशन हमने कंसिडर की है फॉर वाई ग्रेटर देन वाई सी सो हमारी कोई डेफ्थ ऑफ फ्लो है वो यहाँ पे है ज़्यादा है ओके एंड एज वी सेड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बैक वाटर कर्व और सॉरी माई मिस्टेक फॉर एफ आर ग्रेटर देन वन द फ्लो इज सुपर क्रिटिकल सो ये कंडीशन आपकी हो गई वाई लेस देन वाई सी ओके फ्रॉम द स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम इफ दिस इज़ क्रिटिकल डेफ्थ और ये अगर जो डेफ्थ है सपोज वाई और ये इफ दिस वाई इज लेस देन वाई सी तो वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा ओके सॉरी माई मिस्टेक सो वेन वाई इज़ लेस देन वाई सी ओके सो सम वॉट वाई विल कम ओवर हियर थर्ड क्वार्टर में एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट बैक वॉटर कव इट विल बी राइजिंग कव ओके इट विल बी राइजिंग कव बट द प्रोफाइल ऑफ दिस कव विल बी सम वॉट लाइक दिस एंड दिस इंक्रीज इन द डेफ इज कंसिडर्ड ओके और इसको हम बोलेंगे कौन सा प्रोफाइल बन गया हमारा एच थ्री प्रोफाइल बिकॉज y लेस देन yc है तो फ्लो हमारा हो गया सुपर क्रिटिकल और मैंने आगे भी बोला है दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेज इन जोन थ्री बैक वाटर कर्व आएगा जोन वन में बैक वाटर कर्व आएगा और जोन टू में मोस्टली ड्रॉप डाउन कर्व आएगा ठीक है सो so ये आपका आपका हो गया एच थ्री प्रोफाइल ठीक है और इसके लिए आप एग्जाम्पल वो सेम कंसिडर कर सकते हो दैट इज फ्लो डाउन स्ट्रीम ऑफ असल्यूइज गेट अगेन जो हमने आगे कंसिडर किया था सॉरी द फ्लो डाउन स्ट्रीम ऑफ अस्ट ल्यूइज गेट सो ये आपकी प्रोफाइल हो गई एच थ्री ओके नाउ सेकेंड जोन की प्रोफाइल रही सो so, उसके लिए मैं कंसिडर करूँगी ड्रॉप डाउन कर्व ठीक है सो फॉर ड्रॉप डाउन कर्व डी वाई बाई डी एक्स मस्ट बी नेगेटिव अगर ये मुझे वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो ये तो एक ऑलरेडी नेगेटिव है ही तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव सो वन माइनस एफ आर स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स दैट एफ आर इज लेस देन वन ठीक है एफ आर लेस देन वन है तो वो सब क्रिटिकल हो गया सब क्रिटिकल हो गया और सब क्रिटिकल है सो so आपका जो एक्चुअल फ्लो होगा y वो वाई सी से ज़्यादा होगा सो so, वो केस में बन जाएगा y ग्रेटर देन वाई सी ओके सो ये हमारा वाई सी है और जो एक्चुअल फ्लो हो रहा है वो ये है y. सो so, वो हमारा हो गया ड्रॉप डाउन कर्व एज वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉप डाउन कर्व और ड्रॉप डाउन कर्व में आपकी जो डेफ्थ है वो कम होगी और उसको आप बोल सकते हो एच टू प्रोफाइल ओके आई आई गैस इट इज़ क्लियर दैट आपका जो प्रोफाइल एच थ्री प्रोफाइल बना वो ऐसा होगा बैक वाटर कर्व का और जो एच टू प्रोफाइल बनेगा वो ड्रॉप डाउन कर्व का होगा और इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो फ्लो बिहाइंड ओवर फ्लो और ओवर फ्री फॉल ओके okay, ये अगर मैं फ्री फॉल कंसिडर कर लूँ तो ये आपका हो गया फ्री फॉल जो हमने एम टू और एस टू और सी टू में कंसिडर किया है सेम केस यू कैन कंसिडर फॉर एच टू प्रोफाइल ओके क्लियर सो एच टू प्रोफाइल इज ड्रॉप डाउन कर्व ओके एंड एच थ्री प्रोफाइल इज बैक वाटर कर्व ओके सो हमारा एडवर्स स्लोप फोर्थ स्लोप हो गया इससे भी हमें और टू प्रोफाइल्स मिल गए विचार दे एच टू एंड एच थ्री ओके सो नाउ सिमिलरली

और वो केस में वायन हमारा हो गया इमेजिनरी, बिकॉज आप आपको मैंने बताया था कि एडवर्स स्लोप अगर ये हमारा नेचुरल स्लोप जा रहा है और अगर उसके उल्टे डिरेक्शन में कोई स्लोप इंक्रीज हो रहा है सो देन दिट दिस इज नोन एज द एडवर्स स्लोप ओके और ये एडवर्स स्लोप में हमारी जो नॉर्मल डेप्थ है वो मिल ही नहीं सकती दैट विल बी इमेजिनरी ओके सो अगेन सिमिलर टू हॉरिज़ॉन्टल प्रोफाइल्स वी विल गेट टू प्रोफाइल्स विच इज एच टू एन, सॉरी ए टू एंड ए थ्री सो अगेन राइटिंग द इक्वेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एस जीरो माइनस एस सी अपॉन वन माइनस एफ आर स्क्वेयर ठीक है ना इसमें एस जीरो लेस देन जीरो है सो न्यूमिरेटर बिकम्स नेगेटिव आपका न्यूमिरेटर अगेन इसमें नेगेटिव हो जाएगा सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल में कंडीशन इस्टेब्लिश हुई थी वो ठीक है सो so, अगेन उसके दो पॉसिबल केसेस है दैट फॉर बैक वाटर कर्व ओके बैक वाटर कर्व के लिए हमें dy बाई डी एक्स क्या चाहिए पॉजिटिव सो so, अगर ये नेगेटिव ये तो नेगेटिव हो गया सो so अगर ये भी नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा ठीक है सो so, उसके लिए वन माइनस एफ आर मस्ट बी लेस देन जीरो मस्ट बी लेस देन जीरो इट मीन्स दैट एफ आर इज ग्रेटर देन वन दैट इज एफ आर इज ग्रेटर देन वन सो वो हो गया सुपरक्रिटिकल फ्लो और वो केस में हमारी जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है वाई इज लेस देन वाई सी ओके सिमिलर जो हमने हॉरिजॉन्टल में देखा वो ही है ओके okay, और दूसरा हो गया फॉर ड्रॉप डाउन कर्व सो डी वाई बाई डी एक्स अगर ड्रॉप डाउन कर्व हो तो वाई बाई डी एक्स मस्ट बी नेगेटिव और वो केस में ये ऊपर वाला तो नेगेटिव ही है सो तो अगर नेगेटिव ये है और ये पॉजिटिव हो तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा ओके सो वन माइनस एफ आर स्क्वेर ओके मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो ओके okay, बिकॉज ये पॉजिटिव चाहिए और ये नेगेटिव चाहिए तो वन माइनस एफ आर स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स एफ आर स्क्वायर इज लेस देन वन इट मीन्स एफ आर इज लेस देन वन वो हो गया सब क्रिटिकल फ्लो और वो केस में आपकी एक्चुअल डेप्थ विल बी ग्रेटर देन वाई सी ओके सो हमने जैसे हॉरिजॉन्टल में देखा कि ये हमारा एडवर्स स्लोप जा रहा है ओके okay, ये हमारा एडवर्स स्लोप जाएगा तो अगेन यहाँ पे वायन इज इमेजिनरी मतलब वो नॉर्मल डेफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मतलब जोन टू रहेगा जोन थ्री रहेगा और जोन टू रहेगा और ये रहेगा वाई सी ओके सो आ, हमारा जो सपोज ये हम कंसिडर कर ले दैट वाई इज लेस देन वाई सी सो so, ये ये एक थर्ड जोन में रहेगा और वो हमारा रहेगा बैक वाटर कर्व विच इज़ समथिंग लाइक दिस ये हमारी डेप्थ इंक्रीज़ होगी दैट इज ए थ्री प्रोफाइल और वाई इज ग्रेटर देन वाई सी सम वॉट ये डेप्थ है वो वाई सी क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है और वो कौन सा है ड्रॉप डाउन है तो वो कुछ हमें मिलेगा ऐसा विच विल बी लाइक दिक्स दिस एंड दिस इज नोन एज ए टू profile so a 2 and a 3 profiles which are similar to h 2 and h 3 profiles same examples uh, that is for a 2 profile flow behind and over free fall and for a 3 profile flow below a sluice gate can be used okay so here we have completed 12 profiles that is m 1 m 2 m 3 S1, S2, S3, C1, C2 is not existing, C3, then H1 is not existing, H2 and H3, A1 is not existing, A2 and A3. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 water surface profiles. Has been created in this way, and, uh, uh, and I have already shared a sh some of how to determine the water surface profiles uh, on the basis of the actual depth of flow, normal depth of flow, and critical depth of flow. So, now uh, I hope you will be able to uh, uh, define that which kind of profile it is from this theory you learned. Okay, thank you.